हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूँ अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो मेरी टेस्ट सीरीज का 36वां दिन है और कल मेरी टेस्ट सीरीज हुई नहीं थी क्योंकि तबीयत डाउन है, अभी भी है, ठीक है। पर लेकिन उसको एक साइड रखते हैं और अपनी क्लास को करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यह है कि डेट आ चुकी है और बहुत से बच्चों के पेपरों की डेट पता लग गई है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरी क्लास। और जिस बच्चे ने फॉर्म फिल कर रखा है, सीटेट को अपना टारगेट कर रखा है, एसएसटी के थ्रू वो पेपर दे रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है मेरी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने। आप सभी को पता होगा पिछले कई दिनों से मैं ज्योग्राफी को क्लियर करता चल रहा हूँ। अभी ये खत्म होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाए उनको कवर करवा के फिर सिविक्स चलाएंगे प्रॉपर तरीके से, A to Z। में 4 से 5 क्लास में सिविक्स खत्म कर दूंगा और आप आराम से अपने पेपर को दोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझो। जो जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ वो क्लियर आपसे इसी प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। और जो मैं मुंहजुबानी बोलता हूँ उसको नोट करते रहना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है पॉइंट करने वाली, ठीक है। आज का अपने भाइयों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो आराम से पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, जो मैं बोलूं उसको लिख भी ले लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर भी क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सभी के सभी आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो प्रथम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो है गुजरात में किस स्थान पर है, जो वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पर आ गया है ये गुजरात में। तो कौन सा वो स्थान है, अलंग है, कांडला है, पोरबंदर है, ओखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है अलंग। अलंग जो कि भावनगर, भावनगर क्या है ये मेरे भैया, ये है गुजरात का एक जिला, उसी के अंतर्गत ये अलंग शहर है जहां पर जहाज तोड़ने के या मतलब जहाज तोड़ने का काम किया जाता है और वर्ल्ड के अंतर्गत प्रमुख केंद्र माना जाता है अलंग, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से देख भी सकते हो यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, भारत के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, काकीनाडा भरकम, कोल्लम, कोट्टापुरम, या सादिया धुबरी, या इलाहाबाद हल्दिया। तो ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे भी मैं दिखाऊंगा। तो इलाहाबाद और हल्दिया जो है 1680 किलोमीटर टोटल है। आराम से सभी पॉइंट आगे होंगे समझ में। जवाहरलाल नेहरू बंदर का कहाँ पर स्थित है, सभी को पता होगी, नहीं पता तो मैं बताऊंगा, पारादीप, कोची, मुंबई, कोलकाता। सिंपल आंसर है मुंबई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, आराम से याद कर लो। और भाई PDF इसकी मैं दे दूंगा आपको, टेलीग्राम पर आराम से जाओ, वहां से क्लास लो, क्लास के बाद रिविजन करो वहां से, ठीक है। फ्री है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले मैंने डाले हुई है इनको मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो वन लाइनर और कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है राजमार्ग से, ठीक है, अभी मैं करवाऊंगा। सीमा सड़क संगठन का स्थापना की गई 1960 में, मुझे लगता है पहले आगे क्वेश्चन, कोई नहीं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, आपको पता होना चाहिए, 13 बंदरगाह हैं। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रयों की कमी क्यों है, क्योंकि तटरेखा जो है प्राय सीधी सपाट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मेन कारण होता है, ठीक है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगी, नहीं पता जिस भाई को, सभी सभी इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य बात ही है, ठीक है। चलो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, वो भी मुंबई है, ठीक है। पारादीप, ये कई बार क्वेश्चन आ हुआ है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे गहरा तथा स्थलीय बद्ध संरक्षित बंदरगाह कौन सी, तो विशाखापट्टनम है, जो कि अब आपको बताना उड़ीसा में है ये विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश में है, इंपोर्टेंट है, काफी कंफ्यूज होती है, ठीक है, इसको लेकर के इन कमेंट मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन रेल सेवा वंचित है, कौन सा राज्य है जिसमें रेल सेवा नहीं है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम। आप सभी को पता होगी कि नॉर्थ ईस्ट में पहले जो है, नॉर्थ ईस्ट में जो था पहले रेलवे की सुविधा नहीं थी असम राज्य को छोड़ करके, ठीक है। तो अब फिलहाल तो सब जगह पर, लेकिन इनमें से मैं बता दूं बी जो है राइट आंसर हो जाता है, सिक्किम के अंतर्गत रेल सेवा नहीं है, मतलब वह राज्य जो है रेल सेवा से वंचित है, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं इसके अंतर्गत बंदरगाह करवा रहा हूँ, रेलवे के क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, रेल परिवहन से, सड़क परिवहन, जल मार्ग, ये सभी आज मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कल तो मैं पूरी खत्म ही कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन
कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह है? ये नौसैनिक के लिए है, तेल के लिए है, या प्राकृतिक है, नदिया है? तो सभी पता होगी सबको कि कोलकाता जो है नदिया के रूप में, एक बंदरगाह के रूप में स्थित है, जहां पर कोलकाता शहर इसी के कोलकाता जो शहर है किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे, उसी को ही नदिया बंदरगाह कहा जाता है, उस हुगली के तट को ही। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी की सभी मैंने यहाँ पर बंदरगाहें दे रखी है, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेना, आराम से, इंपोर्टेंट है। जिस जिसके मैंने क्वेश्चन करवा दिए उनसे रिलेटेड बता दिया है कुछ, वो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, हर किसी को प्रॉपर तरीके से जान लेना, बंदरगाह को पढ़ोगे और उसके साथ साथ राज्य को भी पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, कि कौन सी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये बंदरगाह आपके सामने है। आप सभी को पता होगा बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब की सागर यहाँ पर है, और हिंद महासागर जो कि अपना भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? अब देखो इंपोर्टेंट है, गंगा नदी की बात आई है, ये घुमाने वाला है। इलाहाबाद और हल्दिया को हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद, या नरोडा से पटना तक। सिंपल अभी मैंने बताया था, राष्ट्रीय राजमार्ग वन से जलमार्ग वन से नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो जलमार्ग है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने शुरू में बता दिया। और यहाँ बात आई है गंगा नदी की, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक इज द राइट आंसर हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पूर्वी तट से सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। पूर्वी तट मतलब कि ये भारत है, जैसे कि है पूर्व की तरफ की बात हो रही है, तो भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कोलकाता है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है मैं बता देता हूँ, मैंने लिख भी रखा है इसके बारे में। जो पारादीप बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में स्थित है, मैंने वन लाइनर में अभी करवाई है अपने थोड़ी देर पहले, आप भूल गए होंगे, पीछे कर लो बैक, मैंने वन लाइनर में ये लिख चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में भारत के पूर्वी तट में गहरे पानी की प्राकृतिक बंदरगाह है। अभी पूछा गया क्वेश्चन, आंसर आपके सामने है, उनमें से ऑप्शन में से कोई शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर कंप्लेंट डाली थी लोगों ने, बच्चों ने सॉरी, तो ठीक है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं बता दूं, यह बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पर स्थित है, यह कोलकाता के उत्तर में 210 समुद्री मील और विशाखापट्टनम के उत्तर में 260 किलोमीटर समुद्री मील पर दूरी स्थित है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल है। ठीक है, पारादीप पोर्ट जो ट्रस्ट है, भारतीय सरकार स्वामित्व वाली एक स्वामित्व निगम जो बंदरगाह को प्रबंधन करती है, कुल मिलाकर ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, ये देखो स्वर्गीय बीजू पटनायक पारादीप बंदरगाह के संस्थापक जनक माने जाते हैं। जो भी चीजें मैंने वन लाइनर में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से अपने भाई को बताई है, याद कर लेना। ठीक है, अब देखो बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ठीक है, और जो मामुआ को बंदरगाह जो गोवा में है, और नहावा सेवा जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तीनों इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते हैं, देखो इंपोर्टेंट है, आप सभी को पता होगी। ठीक है, ये जो मिल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा नागपुर में, झांसी में, हैदराबाद में, दिल्ली में, तो दिल्ली तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक बार रब कर देता हूँ, अंदाजा मैप से तो लगा सकते हो आप कहाँ, यहाँ नागपुर है, नागपुर तो भाई महाराष्ट्र में, झांसी, हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली ऊपर है, तो यहाँ बचा कौन सा, झांसी। अब झांसी आपको इन कमेंट मुझे बताना मेरे भाई कि झांसी किस राज्य में है, यूपी में है या एमपी में है, चलो कंफ्यूज हो, अब यूपी वाले तो यूपी दे देंगे, एमपी वाले एमपी, ऐसा नहीं, सर्च मारो, याद करो, लिखो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप सभी को पता होगी। ठीक है, इस पर काफी वो राज्य कहता है मेरा है मेरे अंडर में, वो कहता है मेरा अंडर में, ठीक है, ये आप वाद विवाद आप ही करो। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, विश्व की बात हुई, विश्व स्तर पर बात हुई है, सड़क प्रणाली में भारत का स्थान द्वितीय है, तृतीय है, चौथे स्थान प्रथम है, तो अपना जो भारत है प्रथम स्थान पर है, सॉरी सेकंड स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर कौन है, ये इन कमेंट मुझे बताना, या अमेरिका है या फिर ये चीन है। ठीक है, चलो बताओ कुछ तो सर्च मारो। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर आप सभी को कल बता चुका हूँ, कल की क्लास में, बिहार में है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, राजमार्ग से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देखो सिंपल है, अभी वर्तमान के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 22 लाख किलोमीटर है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आप सभी को बस ये याद कर लेने आंकड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आराम से, प्राप्त प्रा, प्रा, प्यार
प्यार से पढ़ते रहेंगे। सिंपल है, जो भी मैं बता रहा हूँ उनको नोट भी करते रहना प्रॉपर तरीके से। आपको मैं जो भी करा रहा हूँ, जिससे रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, आप उस पे पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आ जाओ, एक नंबर कट जाएगा तुरंत, और एक ही क्वेश्चन आपको नंबर ला देगा। ठीक है, आप सभी को पता होगी नंबर चाहिए। ठीक है, टोटली भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, मैं बता चुका हूँ, NH1, NH2, NH8, NH7। आप सभी को पता होगी NH7, जिसको NH44 बोला जाता था, उसका नया नाम NH7 है। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, जो आप सभी को बताओगी, NH7866 नाम से है, कुछ ऐसे कुछ देख लेना, जो कि वेलिंगटन से कोच्चि तक है। ये इंपोर्टेंट है, सबसे छोटा यही है। ठीक है, नाम देख लेना, मैंने जो स्थान बताया वो प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। ठीक है, वन लाइनर में थोड़ा सा बताऊं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे वन लाइनर के, रेलवे के, उसको मैं आज प्रॉपर तरीके से कवर कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। आपको बताना है इसकी कुल टोटल जो लंबाई है 1800 है, या फिर 1900 मीटर है, ठीक है, या फिर 2 किलोमीटर है, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा और ठीक है, काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग अभी बताया NH7, राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो है, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है। यह वाराणसी कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर है, 2369 मतलब कि 2369, 69, ठीक है, किलोमीटर लंबा है। किस शक के ग्रांड, देखो इंपोर्टेंट है, ग्रांड ट्रैक रोड के निर्माण को श्रेय दिया जाता है, तो शेरशाह सूरी को दिया जाता है। ये आप सबको भली भांति पता है, शेरशाह सूरी कौन है, वही है जो बाबर के बेटे हुमायूं को भगाने वाला, हराने वाला। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, इन कमेंट में मुझे बताना, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो, इसमें राष्ट्र राजमार्ग दे रखे हैं प्रॉपर तरीके, स्वर्ण चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण गलियारा, सभी पूर्व पश्चिम गलियारा, राष्ट्रीय राजमार्ग सभी प्रॉपर तरीके से मैप में दे रखे हैं। झूम करो स्पीड अप को, ठीक है, और आराम से कौन सा सभी के नाम दे रखे हैं, और कौन कौन से शहर आ रहे हैं, किस नेशनल पर या किस राजमार्ग पर आ रहे हैं, ये सभी प्रॉपर तरीके से मैंने दिए हुए हैं मैप में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है, यहाँ पर बात करिए यात्री परिवहन में और सड़क परिवहन का योगदान कितना होता है, 20, 40, 60, 80। तो 60% इसका योगदान प्रॉपर तरीके से है यात्री परिवहन में, सड़क परिवहन का योगदान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल। तो यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, आराम से याद करके, कोई भगचल नहीं है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे दो राज्य हैं जो पक्की सड़कों को लेकर के, लंबाई को लेकर के दृष्टि में सबसे अग्रणी, सबसे आगे है। ठीक है, सड़कों की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग मैंने पहले बताया था, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसी को ही हल्दिया, जो अभी मैंने बताया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबा अंतरदेशीय राजमार्ग जलमार्ग है, वो आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ। 1680 किलोमीटर टोटल उसकी लंबाई है, इंपोर्टेंट है। गंगा, भागीरथी और हुगली तीनों को एक नाम से जाना जाता है इस राष्ट्रीय जलमार्ग को। ठीक है, 1 को, ये सबसे लंबा है, और सबसे लंबा मैंने जलमार्ग मैंने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, और इसका नाम मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग, सॉरी, जलमार्ग की लंबाई कितनी है। अब भारत के अंदर की बात हो रही है, और वो भी जलमार्ग को लेकर के बात हो रही है, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये सभी जलमार्ग जो कि अंतःस्थलीय जलमार्ग को लेकर के हैं ये, ठीक है, अंदर भारत के अंदर की बात है, भारत की बात है। तो टोटल जो लंबाई है 14,500 है, 20,000 है, 25,000 है, 10,500 किलोमीटर है। तो 14,000 ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, 14,500। आपसे
एग्जामिनर का मतलब होता है कि मैं किसी प्रकार से बच्चे को अटकाऊं। मैं वो चीज चाहता हूं कि आपको सभी चीजें नॉलेज होनी चाहिए, सभी चीज को पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। एक एक आंकड़े उसका मेन काम है आपको अटकाना, और मैं अटकाने नहीं दूंगा, बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को क्लियर करता चल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से मैथ में बता रहा हूँ, वन लाइनर है वन लाइनर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको दिक्कत हो किसी प्रकार से मुझे बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, ठीक है। अब आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं जल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग, तटवर्ती जल मार्ग, समुद्र जल मार्ग। अब सभी के सभी प्रॉपर तरीके तीनों मिक्स करके मैंने जल मार्ग दे रखे हैं, ये देख लेना एक बार, नजर घुमा लोगे तो सबसे बड़ी बात ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, पटियाला है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कोलकाता में स्थित है। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे कल की में, ठीक है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की थी 2004 में, और भारत में देश के कुल यातायात सड़कों पर यातायात का भाग होता है 80%, ये याद कर लेना। मैंने 60% किया था, मैं करवा तो 80 रहा था, उसको ठीक कर लेना, राइट कर लेना, ठीक है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, कल की क्लास में करवाए प्रॉपर तरीके से मैथ में। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्ग के विकास से, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच में दूरी होती है। मैंने तीन लाइन बताई थी, तीनों लाइनों के नाम बताओ, बड़ी लाइन में से एक दो लाइन रह रही है उनका कमेंट बताओ। 5.5 फीट की दूरी होती है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? बड़ौदा में, कल करवाया था क्वेश्चन। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में, अभी करवाया था। सेतु समुद्र परियोजना जोड़ती है मन्नार खंड पर कई द्वारा आ गया है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था भाई मेरे, क्योंकि थोड़ा सा अभी थोड़ी सी ठीक हुआ हूँ और तुरंत मैंने क्लास लेने की सोची और प्रॉपर तरीके से मैंने अभी क्लास को अपलोड करने की सोची थी, ठीक है। तो अपने भाई को यही कहूंगा, भाई लगे रहो प्रॉपर तरीके से, कुछ ही दिन रह रहे हैं, मैं बिल्कुल मेहनत कर जाऊंगा। अभी मेरे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पूरी निपटा लोगे ना तो किसी पीरियड में, तो आप कहीं मानने का होगा 60 में से 55 लाओगे, लाओगे 50 तो लाओगे, ठीक है, सीधी बात मेरी, यहाँ ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने भाई को निःशुल्क सेवा बताओ, पीडीएफ है, क्लासेस हैं, सर टेस्ट सीरीज पड़ी है, सभी को करो, कर डालो, कुछ ही दिन रह गए। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।